अंतरिक्ष यात्री किसी भी देश का हो, वो ऑरेंज रंग का स्पेस सूट ही क्यों पहनती है? कल्पना चावला और सुनीता विलियम ने भी ऑरेंज कलर का स्पेस सूट क्यों पहना था? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने भी उस रंग का स्पेस सूट क्यों बनाया है? जिस तरह का नासा या दूसरी स्पेस एजेंसियों के अंतरिक्ष यात्री पहनती है, कभी आपने सोचा है कि आखिर यह स्पेस सूट नीले, पीले, हरे और लाल रंग का या किसी भी दूसरे रंग के क्यों नहीं होते हैं? उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट के व्हाइट कलर होने का पीछे का राज बताएंगे। यह आपको बता दें कि स्पेस सूट के ऑरेंज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है इसका दूसरे रंग से ज्यादा विजिबल होना। इस सूट की वजह अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, समुद्र में लैंडिंग के दौरान भी इस रंग के स्पेस सूट के बदौलत इन्हें दूर से ही देखा जा सकता है। इस सूट को एडवांस्ड क्रू एस्केप सूट भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ और पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के लिए इस सूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यही स्पेस सूट धरती पर वापस लौटते समय अंतरिक्ष यात्री पहनती है। अब आपको ये भी बता दें कि स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री व्हाइट कलर का सूट क्यों पहनती है, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल डार्क बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का सूट साफ़तर दिखाई देता है। इसके अलावा यह सूर्य की रोशनी में जबरदस्त चमकता है, इसी वजह से इसको स्पेस वॉक के दौरान भी पहना जाता है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के काम में आने वाली कोई चीज होती है। इसके अलावा यह स्पेस सूट अंतरिक्ष में घूम रहे एस्ट्रोनॉट से भी उन्हें बचाया जाता है। सफेद रंग के इस सूट को एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है। इस व्हाइट कलर की स्पेस सूट में 12 लेयर होता है। उसकी बाहरी लेयर में जो कि बुलेट प्रूफ की लेयर होती है, और इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल या सी प्रेशराइज इस तरह की काफी बहुत सारी लेयर होती है जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में उन्हें सेफ रखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्पेस सूट का वजन बिना किसी अन्य सामान के करीब 21 केजी होता है। वहीं यदि इसकी कीमत की बात करें तो यह करीब 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। दूध से ही पहचाने जाने वाले ऑरेंज स्पेस सूट की सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज और जापान का टोक्यो टावर बनाया गया है। ऑरेंज सूट ने सिर्फ रेस्क्यू के दौरान मदद करता है, बल्कि टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान होने वाले हादसे में भी उनकी मदद करता है। इस सूट में हवा और पानी की सप्लाई भी की जाती है। इसके अलावा इसमें भी पैराशूट, दवाइयाँ, संपर्क साधन वाले यंत्र और अंतरिक्ष यात्रियों के काम में आने वाली कोई अन्य चीज भी होती है। जिस तरह का स्पेस सूट अब अंतरिक्ष यात्री पहनती है, उसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। हालांकि इसके रंग में कोई बदलाव नहीं किया गया, तब इसको लॉन्च एंट्री सूट कहा जाता था। इससे पहले अंतरिक्ष यात्री सिल्वर और व्हाइट कलर का सूट पहनते थे। हालांकि रूस और चीन को इस मामले में कुछ अपवाद स्वरूप देखा जा सकता है। रूसी अंतरिक्ष यात्री खासतौर पर जो स्पेसक्राफ्ट से जाती है, वो जो स्पेस सूट पहनती है वो सफेद रंग का होता है और उसे सोकुल सूट भी कहा जाता है। इन यात्रियों को स्पेस वॉक के दौरान जो सूट पहनना होता है उसका ओरलान सूट कहा जाता है। इसी तरह से चीन के अंतरिक्ष यात्री भी सफेद रंग का स्पेस सूट पहनती है, जिसको फेटियन सूट कहा जाता है। ये रूस के सोकुल सूट की ही तरह होता है। ऑरेंज को हाईली विजिबल माना जाता है, यही वजह है कि आपको कुछ खास तरह के लोगों द्वारा ये रंग पहना हुआ दिखाई दे जाती है। भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर NDRF की रेस्क्यू टीम इसी रंग के कपड़े पहनती है, और विमान के अंदर लगा ब्लैक बॉक्स भी ऑरेंज रंग का ही होती है, जिसकी वजह से ये दूध से भी पहचान लिया जाता है। अक्सर निर्माण में लगे कारीगर को भी इस रंग के जैकेट पहनने की दिया जाता है। ऑरेंज कलर की स्पेस सूट पहनने से अगर कोई भी हादसे हो जाता है तो उनकी डेड बॉडी दूध से देखा जा सकता है। तो फिलहाल के दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती जो लाइक करना, इसी टाइप की इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया तो बेल के आइकन जरूर प्रेस करना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।